बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज ये हमारा टॉपिक है कि मोटरसाइकिल का सुबह के टाइम जो है वो स्लंसर से पानी क्यों आता है। सुबह के टाइम आपने देखा होगा कि स्लंसर के नीचे जो है वो पानी आ जाता है, उसकी क्या वजह है, क्या इसको किस तरह ठीक किया जाता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। तो उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। तो दोस्तों, जब भी बाइक के सुबह के टाइम आप बाइक को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद स्लंसर से जो है पानी आ जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, उसकी वजह ये होती है कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लें, उसका कोई भी मसला नहीं है। और वो मसला क्यों आता है, पानी क्यों आता है, फिर इसकी क्या वजह है, वो इसीलिए दोस्तों आता है जब आप बाइक को कहीं पे ले कर जाते हो, गर्म बाइक होता है, गर्म बाइक को आप खड़ा कर देते हो, जब आप खड़ा करते हो तो बाइक पिस्टन के ऊपर जो है नमी आ जाती है। जब बाइक ठंडा, आजकल सर्दी है, आपको पता है सर्दी में बाइक का पिस्टन जो है वो, जब गर्म पिस्टन ठंडा होता है तो वो नमी लेता है, नमी जो है वो पानी बन जाती है। सुबह के टाइम जब आप किक लगाते हो तो वो पिस्टन के आगे जो पानी नमी होती है वो पानी की सूरत में स्लंसर से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्लंसर के नीचे जो है पानी आपको नज़र आता है। तो यही वजूहत होती है जो कि बाइक के नीचे, स्लंसर के नीचे पानी आ जाता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप इससे टेंशन ना लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।